नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार आम जनता जुड़ रही है, इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का समाज के लिए क्या योगदान है। सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जींसा का समाज के लिए क्या भूमिका रही है, जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संतोष रानी जी। संतोष रानी जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? जी बहुत समय से जानते हैं जी, बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितनी बार गई होगी मैम आश्रम? जी बहुत बार गई हैं जी, बहुत बार, हम जाते रहते लगातार, अब तक भी जा रहे हैं, हमने छोड़ा ही नहीं था। वो हमारे लिए तो वो सब कुछ है जी, हमारे गुरु जी हैं सब कुछ, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है जी उनके बिना। मैम हम तो उस दिन को उड़ीक रहे हैं कि हमारे गुरु जी हमारे मैसी कब जल्दी आएँ और हम उनके दर्शन करें और हमें खुशियाँ बख्शें। हमारे बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जितना कह दें हमें, हमारे परिवार की हमें ज़रूरत नहीं, जितनी हमारे सतगुरु की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ गुरु जी हमारे बहुत जल्दी आ जाएं, कि ये बहुत गलत हो रहा है हमारे गुरु जी के साथ। हम नहीं चाहते कि और भी आगे हो ऐसा, पता नहीं उनके साथ क्यों हुआ, हम नहीं जानते कि हमारे पापियों की वजह से हुआ, कौन सा पाप उन्होंने अपने सिर पर लिया है मैं नहीं जानती। जरूरत क्यों है मैम? हमारे गुरु हैं जी, गुरु जैसा कोई दुनिया में हमें नहीं मिलेगा। हमारी सारी संगत यही दुआ कर रही है, सभी जगह जगह सिमरन कर रहे हैं जी, हम सभी जगह जगह सत्संग कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी बहुत जल्दी घर आए। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है जी, सच सच ही रहेगा। हमारे गुरु जी सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे, सदा ही सच्चे थे वो। लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते इस बारे में कि जी ऐसा क्यों हुआ, वो तो वही जानते हैं कि जी ऐसा किस लिए हुआ, कि कौन सी रूह मेरे सतगुरु ने वहाँ पे जाके तारनी थी, कि हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। कितनी आपकी आस्था कितनी है आज गुरु? आस्था तो बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा, जितनी कह दो कि उससे भी ज़्यादा। उन्होंने समाज के लिए ऐसा क्या योगदान दिया? बहुत ज़्यादा किया जी, बेटियों की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रक्षा की है। वहाँ पे इतनी बेटियाँ सेफ हैं जी, हमारे घर पे नहीं हो सकेंगी जितनी उस डेरे में, हमारे दरबार में, हमारे स्कूलों में। मैंने खुद स्कूल में जाके नौकरी करी है जी, मानोगे आप, वहाँ के बच्चे हमने मैडमों के संभाले हैं जी। मैं संतोष रानी हूँ, रेखा मैडम जी हैं हमारे, मैडम है हमारे स्कूल के, गर्ल स्कूल के। चाहे हम उनके लिए भी यही कहते हैं, उनको वो भी हमारे लिए यही कहते थे कि हमारे गुरु जैसा कोई भी नहीं है, हमारे गुरु की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरे सतगुरु बहुत जल्दी हमारे बीच में आए जी। लेकिन मैम मीडिया में स्कूल को लेकर, आश्रम को लेकर तमाम अलग अलग तरीके की बातें उठाई जा रही थी। देखो जी, दुनिया का क्या कह सकते हैं जी, दुनिया तो जो देखती है झूठ को ही मानती है, क्यों? हमारे गुरु सच दिखाते हैं, दुनिया को वो समझ ही नहीं आती। जो समझ लेता है उसके जैसा तो कोई दुनिया में आदमी नहीं है जी। जो हमारे गुरु जी की बात मान लेता है ना, उसके तो वारे न्यारे हैं जी। उनका नेचर कैसा है? नेचर तो जी बहुत बहुत बढ़िया, दुनिया में शायद किसी का होगा ही नहीं। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा जी, मैं कहती हूँ वो तो हमारे सामने बैठे गए, हम कहते हैं उनको देखते ही रहे, हम तो निहारते ही रहे, हमारी तो नज़र ऐसे और जगह ही नहीं जाती कहीं कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। क्या आज उनकी ज़रूरत है मैम? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, हमारे प्रेमियों को भी, सबको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कोई ऐसा ही होगा जो कहता होगा कि गुरु जी। 4 साल नहीं हो गए मैम उनको उस समाज हमें जी, बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। प्रभाव समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जी? प्रभाव तो ऐसे है जी, कुछ कह नहीं सकते, मानते जो है ना वो तो यही कहते हैं गुरु जी जल्दी आए। क्या अपील करोगे सरकार? यही करेंगे कि हमारे गुरु जी बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए, तो जो भी कोई है वो गलत फहमियाँ जो सब दूर हो जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार आपके सामने हम जनता बता रही है कि जिस संत ने बेटियों की रक्षा की, आखिर उस उन्हीं को इस तरीके से क्यों समाज से दूर किया गया, उन्हीं को इस तरीके से झूठे आरोपों में क्यों फंसाया गया, जिस तरीके से लगातार जनता आपके सामने आकर बता रही है। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई।